तो जिस समय खड़े हैं रोड के ऊपर और रोड पे खड़ी है ये नई ताजा बिल्कुल गाड़ी, और गाड़ी का जो मालिक है ये भाई साहब है, क्या नाम है? नवीन कुमार जी। नवीन कुमार ने हमें ये सूचना दी कि जो गाड़ी दी गई है इनको, बिल्कुल रेनॉल्ट कंपनी की नई गाड़ी ली थी, और गाड़ी के अंदर नुक्स पाया गया, और वो किस तरह का नुक्स पाया गया जिसको लेकर के आज ये रोड के ऊपर है और भागे हुए, ये बात जो है थाने तक पहुंच चुकी है। तो तमाम बातों से आपको रूबरू करवाएंगे, आखिर इनके साथ क्या हुआ जो कि इनको अपनी इस गाड़ी जिस कंपनी से ली उस कंपनी के खिलाफ थाने तक जाना पड़ा। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। क्या है मामला बताइए थोड़ा। मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि 28 जनवरी 2023 को मैंने रेनॉल्ट एजेंसी से ये आप रेनॉल्ट काइगर टर्बो में टॉप मॉडल था इसका ब्लैक कलर की गाड़ी खरीदी थी। उसके बाद में इसको चलाने पे मेरे को थोड़ी थोड़ी जैसे इसके सस्पेंशन में दिक्कत लगी, गियर बॉक्स में दिक्कत लगी, तो मैंने इन पे चेक भी करवाई तो इन्होंने सस्पेंशन में दिक्कत वो लिख के दे दी। उसके बाद में मैं इसको फरीदाबाद के अंदर इसकी PPF करवाने के लिए लेके गया गाड़ी। ये तो गाड़ी आपने पुरानी ली थी कि बिल्कुल नई ली थी? बिल्कुल नई गाड़ी ली थी जी, बिल्कुल नई गाड़ी ली थी। उसके बाद में मैं इसको जब PPF कराने के लेके गया तो उन्होंने वहाँ जो एक्सपर्ट होते हैं कार डिटेलिंग के, उन्होंने गाड़ी पे गेज मीटर वगैरह लगा के चेक किया, पेंट गेज मीटर होता है इंस्ट्रूमेंट, तो उससे ये पता लगा कि गाड़ी का जो पेंट की थिकनेस है बोनट के अंदर वो बहुत ज़्यादा आई, मतलब कहीं 200-300 जो बाकी गाड़ी है उससे काफ़ी ज़्यादा आ रही थी, और एक जगह तो 628 के समथिंग आई, तो उससे ये था कि वहाँ काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट था। उसके बाद में इसका बम्पर भी रीपेंट था, उसने चेक किया तो उसके बाद में मेरे को ये पता लग गया कि गाड़ी है वो एक्सीडेंटल है, उसके सस्पेंशन में, गियर बॉक्स में और वाइपर भी कई बार चलते हुए स्मूथली नहीं चलते हैं, तो मेरे को एक्सीडेंटल का कंफर्म हुआ। तो दोस्तों पुरानी गाड़ी में तो हो सकता है कि भी एक्सीडेंटल गाड़ी हो सकती है कि भी उसका पता ना चले, लेकिन ये तो बिल्कुल एजेंसी से नई गाड़ी ली गई है, पता चला है मालिक को कि ये गाड़ी एक्सीडेंटल है और उनको दे दी गई है, और इसकी जाँच जब होती है, जब ये गाड़ी किसी एजेंसी के पास में कुछ काम करवाने के लिए जाती है और इसकी जाँच होती है, तो जैसे हमारे शरीर में कोई कमी आती है तो मेडिकल टेस्ट होता है तो उसमें साफ आ जाता है, इस तरह से कोई ऐसा सर्टिफिकेट भी बनवाया आपने इससे कि भाई ये दिक्कत है इसमें? नहीं जी, पेंट गेज मीटर से टेस्ट होता है इसका पेंट का। उसके बाद में मैंने जब एजेंसी से बात की तो उन्होंने बोला कि आप गाड़ी ले आइए, हम चेक करके कंफर्म कर लेते हैं अगर ये प्रॉब्लम है तो, लेकिन इन्होंने जांच के नाम पे एक फॉर्मेलिटी की, अपना एक बंदा बुला के उसके पास ना कोई चेक करने के लिए इंस्ट्रूमेंट था, कुछ नहीं था, और उन्होंने कह दिया भी हमने चेक कर लिया, तो मैंने कहा भी ऐसी ऐसी दिक्कत है, तो उन्होंने बोल दिया कि हम जो आप चाहते हो वो पार्ट चेंज कर देंगे, हम बोनट चेंज कर देंगे, गियर बॉक्स चेंज कर देंगे, शॉकर चेंज कर देंगे। तो 1.5 महीने में ही सब कुछ खराब हो गया? हाँ जी। तो एजेंसी ये थी अपनी रेनॉल्ट एजेंसी है यहाँ अश्विनी केबल्स नाम से हिसार के अंदर, तो उन्होंने ना गाड़ी के पार्ट चेंज करने के लिए बोल दिया, लेकिन मैंने जब नई गाड़ी खरीदी है तो मैं एक्सीडेंटल गाड़ी क्यों लेऊं, मैंने जब पैसे पूरे दिए हैं तो मैं पुरानी गाड़ी क्यों लेऊं, तो मैंने इनको अपनी गाड़ी बदलने के लिए इनको बोला तो इन्होंने आनाकानी कर दी, मना कर दिया जी, साफ मना कर दिया, साफ मना कर दिया जी। बिल्कुल। तो क्या कहते हैं इसका जो जो पार्ट खराब है वो बदल देंगे, तो बदल देंगे, लेकिन गाड़ी नहीं देंगे। हाँ हाँ जी, मेरे पास सारी इनकी वीडियो भी है जो इन्होंने बोला है। एक तो ये कहते हैं कि हमारी गाड़ी ठीक थी, तो अगर ठीक थी तो ये पार्ट चेंज क्यों कर रहे हैं, फिर उस पे राजी क्यों हो रहे हैं, ठीक पार्ट को चेंज करने पे राजी कैसे हो रहे हैं ये? तो इसको लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या कार्रवाई आपने की अभी तक? मैंने अभी पुलिस स्टेशन के अंदर है वो अपनी दरखास्त थी वो दे दी है, उसके बाद में भी कंज्यूमर कोर्ट जो भी आगे की प्रोसीडिंग होगी वो करेंगे जी। तो क्या इस बारे में ये कुछ समझौता करने के पक्ष में है या कुछ ऐसा आपके साथ में सहयोग करने के मूड में है? नहीं, मेरे को सहयोग करने के मूड में नहीं लगे जी बिल्कुल भी। हम यहाँ पे कम से कम दोपहर से आए हुए हैं और तब से इन्होंने कोई सहयोग नहीं किया, बस टाइम पास कर करके हमारे 3-4 घंटे खराब करने का काम किया जी। तो ये थे मालिक, गाड़ी आपके नाम है? हाँ जी, मेरे नाम। क्या नाम आपका? नवीन कुमार जी। कहाँ के रहने वाले? खरिया गाँव, जिला हिसार जी। तो और लोग भी इनके साथ जुड़े हुए हैं, पहले तो ये बुजुर्ग जुड़े हुए इनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो इस मामले में आपका क्या कहना? कहना क्या है जी, अश्विनी एजेंसी से रेनॉल्ट की गाड़ी ली थी इस बच्चे ने, और सारा दिन इनके कहते रहे भी आपके हमारी संतुष्टि करानी है तो आपके बढ़िया मैकेनिक को बुला के इसको चेक कराओ। चेक ही नहीं करा रहे, टाल मटोल करें, लिपा पोती करी, इसका मतलब स्पष्ट दिखता के चोर है ये, और एक्सीडेंटल गाड़ी दे रखी, पैसे नहीं के ले लिए,
फ्रेश पीस लेते हैं तो हम रेडू एक्सीडेंटल गाड़ी क्यों लेंगे? बिल्कुल, इनको देनी पड़ेगी, इनको कानूनी रूप से जो बन सकेगा इनके पीछे कार्रवाई करेंगे, किसी हालत में नहीं छोड़ेंगे। हाँ जी, युवा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या लगता है आपको, इस गाड़ी को देख करके कंपनी ने आपके साथ क्या किया? धोखाधड़ी करी है जी, साफ स्पष्ट। इन एक्सीडेंटल गाड़ी दी है, पीछे नई के लिए है, बिल्कुल फ्रेश के 28/1/23 नया गाड़ी ली है और डेढ़ भी नया लगभग गाड़ी को ले हुए, लेकिन इसमें अभी से दिक्कत आनी शुरू हो रही है। एक तो इसका सस्पेंशन में दिक्कत है, अच्छा, इसका गियर बॉक्स में दिक्कत है, चौथा गियर में इसका दिक्कत है, और एक ये यहाँ पर पेंट है, इसमें यहाँ पे पेंट है, नीचे बम्पर पेंट है। अच्छा, हाँ, गेज मीटर से चेक करवाई, पेंट में डिफरेंस आने लग रहा है और ये कोई समाधान कौन करने ला रही है, एजेंसी वाले हैं, इन अन्न का निकलने लग रही जी। हाँ तो दोस्तों, इस मामले में आखिर क्या होगा कि एक मालिक है, उन्होंने एक गाड़ी नई कंपनी से खरीदी, लेकिन डेढ़ महीने के अंदर ही तमाम तरह की जो समस्याएं हैं गाड़ी के अंदर जो ये बता रहे हैं उसको लेकर के कंपनी कुछ सुनने को राजी नहीं बताया जा रहा है, और इसको लेकर के मालिक थाने तक ये मामला पहुँच चुका है। आखिर इसमें क्या होगा, हम कंपनी से भी बात करने की कोशिश करेंगे अगर वो बात अपनी रखना चाहेंगे तो। हाँ सर, नमस्कार। आप जो आपके जो शोरूम है इससे गाड़ी निकली और उसमें कस्टमर जो कोई बात रख रहा है कि उसमें फॉल्ट बता करके गाड़ी का ऐसे बता रहा है, तो इस मामले में आपका क्या कहना है? देखो सर, फॉल्ट बताने के लिए भी एक टाइम पीरियड होता है, कोई मतलब देखो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ फॉल्ट होगा वारंटी गाड़ी के इंजन का या और कोई वारंटी की चीज़ें वारंटी में आती हैं सर। उन्होंने जैसे फॉल्ट बताया है भी पेंट का है, मैं आपको थोड़ा वैसे जानकारी बताऊं कि डेढ़ महीने पहले कार डिलीवर हो चुकी है और जब डिलीवर हुई पूरी सेटिस्फेक्शन मतलब संतुष्ट थे वो लेके। अब उसके बाद उन्होंने फर्स्ट सर्विस भी कराई, उनकी कोई समस्या थी उधर उन्होंने बताया भी है। इसके बाद अब डेढ़ महीने के बाद सर्विस के बाद कस्टमर आके बोलता है भी मेरी गाड़ी पेंटेड है, मेरे को किसी ने बताया। तो देखो सर, इस पेंट के लिए हमारे रोड पे जाने के बाद जिम्मेदारी नहीं होती। अगर वारंटी से रिलेटेड भी कस्टमर का कोई भी कंसर्न है, उनको कोई दिक्कत आ रही है, कंपनी हमेशा वारंटी देती है, तो आए हम उनका वेलकम करेंगे, हमारे से जो सहयोग बनेगा, सहयोग नहीं है वारंटी में जो भी होगा वो करके देंगे सर। उसके अंदर वारंटी की गाइडलाइन पूरी होनी चाहिए सर, ऐसा नहीं भी अननेसेसरी कोई चीज़ें हों जो हम पूरा कर पाए।